फरमाया कि ज़मीन में निशानियाँ हैं, ज़मीन में निशानियाँ हैं। क्या निशानियाँ हैं? तो ये वो बात है जो कुरान करीम बार बार दोहराता है कि तुम ये देखते हो कि ज़मीन मर चुकी होती है बारिश नहीं होने की वजह से, और ज़िंदगी का नामो निशान भी मिट चुका होता है, लेकिन बारिश होती है तो ज़िंदगी की बहारें दौड़ जाती हैं। वो जो अल्लाह ताला मुर्दा ज़मीन को ज़िंदगी देने पर कादिर है, वही अल्लाह ताला मुर्दा इंसान को भी ज़िंदा करने पर खूब कादिर होगा। उनको ये बात समझ लेनी चाहिए। और मुर्दा होने की जो बात है ज़मीन की और ज़िंदा होने की, ये ऐसी बात है कि रोज़मर्रा के मुशाहदे में आती है, हर आदमी देखता है। और इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सामने की बात है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने गौर व फिक्र करने की बात नहीं की उस तरह जैसा कि अगली आयत में अल्लाह ने गौर व फिक्र करने की बात की है, कहा कि निशानियाँ हैं, बस चाहिए क्या, तो यकीन करने की सलाहियत। मानने वाले जो लोग होंगे उनके लिए निशानियाँ, और जिन्होंने ये बात ठान ली है कि कुछ भी हो जाए मानेंगे नहीं, तो फिर उनके लिए क्या, उनके लिए कुछ भी नहीं है, आम चीज़ है और इबरत और नसीहत का कोई सामान इसमें नहीं है। तो यकीन पैदा करो, फिर देखो कि बात समझ में आती है या नहीं आती है।